मम्मी और कनु घर पर बैठे बातें कर रहे हैं। बेटा, क्या तुम्हें याद है, एक महिला जनगणना के लिए हमारे घर आई थी। उन्होंने हमें कुछ 29 प्रश्न पूछे थे, जैसे कि हमारा नाम, उम्र, व्यवसाय आदि। हाँ मम्मी, अब मुझे याद आया। क्या तुम्हें उस 15वीं जनगणना का परिणाम जानना है? हाँ मम्मी, क्या यह 2011 में हुए जनगणना का आखिरी परिणाम है? वैसे तो जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, पर उसका आखिरी परिणाम जांच के बाद घोषित किया जाएगा। आंकड़े थोड़े बदल भी सकते हैं। 2001 की गिनती में लगभग 2% जितनी गलतियां थी। देखो, आज के अखबार में जनगणना के आंकड़े और उनसे निकले हुए निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष जानने लायक और दिलचस्प हैं। चलो मैं तुम्हें यह जानकारी समझाती हूँ। 2011 में घोषित किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई है। इसमें 62.37 करोड़ पुरुष हैं और 58.65 करोड़ महिलाएं हैं। इसलिए अब भारत की इस वर्ष की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या जितनी है। मात्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है। उत्तर प्रदेश जोड़ महाराष्ट्र के बराबर अमेरिका है। और गुजरात राज्य की जनसंख्या? गुजरात की जनसंख्या भी बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। 2001 में गुजरात की जनसंख्या 5 करोड़ थी। हमारे राज्य में 6,03,83,628 लोग रहते हैं, जिनमें 3,14,82,282 पुरुष और 2,89,01,346 महिलाएं हैं। गुजरात में 42.6% लोग शहरों में रहते हैं और 57.4% गांव में रहते हैं। पिछली जनगणना की तुलना में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। इससे यह पता चलता है कि हमारे राज्यों में शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। क्या गुजरात राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा और लक्षद्वीप की सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ हो गई है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम मात्र 64,429 नागरिक हैं। देखो, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य। 1. उत्तर प्रदेश 19.9 करोड़। 2. महाराष्ट्र 11.23 करोड़। 3. बिहार 10.38 करोड़। 4. पश्चिम बंगाल 9.13 करोड़। 5. आंध्र प्रदेश 8.46 करोड़। इन राज्यों में बहुत घन जनसंख्या होगी। हाँ बेटा, पर सबसे घन जनसंख्या दिल्ली में है। देश की राजधानी के उत्तर पूर्व जिले में हर वर्ग किलोमीटर में 37,346 नागरिक बसे हैं। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में है, जहाँ हर वर्ग किलोमीटर में मात्र 1 नागरिक बसा है। और क्या जानकारी दी है? हमारे देश में 6 वर्ष से कम उम्र के 15.88 करोड़ बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में इस उम्र के बच्चों का अनुपात अधिक है। लड़के लड़कियों के अनुपात में इस बार सबसे बड़ा भेद दर्ज हुआ है। आजादी के बाद लड़कियों की तादाद सबसे कम देखने मिली है। यह बहुत ही चिंताजनक है। देश में 6 वर्ष से
कम उम्र के लड़के लड़कियों का अनुपात 1000 लड़कों में सिर्फ 914 लड़कियों का है। गुजरात में लड़के लड़कियों का अनुपात 1000 लड़कों में 918 लड़कियों का है। भारत में शिक्षित नागरिकों का अनुपात 9.2% बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 74.04% शिक्षित है। गुजरात राज्य में 79.31% शिक्षित है, यानी कि यह राज्य देश की कुल शिक्षितों के प्रतिशत की तुलना में आगे है। मम्मी, अखबार दो ना, आगे मैं पढ़ूंगा। केरल में सबसे ज्यादा 93.91% नागरिक शिक्षित हैं और बिहार में सबसे कम 63.82% नागरिक शिक्षित हैं। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली कैंटोनमेंट और अंडमान निकोबार, ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षित नागरिकों का अनुपात 85% से अधिक है। कनु, देखा ना कितनी दिलचस्प और जानने लायक बातें थी। अब से तुम नियमित अखबार पढ़ने की आदत रखना।